मुझको मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस बिहार से, अब कि मैं रहूँ या चला जाऊँ। हालात अच्छे नहीं हैं। क्या नेता, जज, पदाधिकारी, माफिया, दलाल यही राज करेंगे, यही सुरक्षित होंगे? और कोई सुरक्षित नहीं होगा, एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं होंगे। कब तक मौत का सिलसिला जारी रहेगा? एक डेट दे दिया जाए, कब तक आम आदमी अंतिम सांसें की चिंता करेंगे? कब तक बच्ची घर नहीं लौटेगा? गठबंधन में बुलाना नीतीश कुमार जी को है, केंद्रीय नेतृत्व को है। पप्पू यादव माने नहीं रखता, माने देश रखता है। जिसकी ताकत उसकी, जिसकी संख्या उसकी ताकत, और उसका सत्ता संख्या बल में जिसकी होगी उसको पूछेंगे लोग। कंप्लीट हम लोग महागठबंधन के विचारों के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार से कोई एक नूतन परिवर्तन की बात, लोकतंत्र बचाने की, संविधान की रक्षा के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें अहंकार रहित विसर्जन होना आवश्यक है। और जो जिसका सीट है उसको फाइनल कर लीजिए, जहाँ जो ज़्यादा मजबूत है उसको तय करिए, कह दीजिए किस स्टेट में आप मजबूत है, इस स्टेट में आप मजबूत है, उसको तय कर लेने दीजिए। गठबंधन और मिट्टी का मतलब है कि हम धीरे धीरे एक कॉमन एजेंडा पर जाएं, ईगो को ख़त्म करके फिर बैठें दोबारा, तिबारा बैठना पड़ेगा। और कैंडिडेट भी देखना यह है कि हम जीत सकते हैं उससे कि नहीं। मांझी जी भटके भटके लग रहे हैं। हाँ, मांझी जी इस बार भटके भटके लग रहे हैं। देखिए, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।